जी माउंट आबू से हाँ दिल्ली में यमुना के कंठे पर जाने के लिए कैसे जाएं? माउंट आबू में कैसे जाएंगे? अरे पहले परमधाम जावेंगे या पहले नई दुनिया में जावेंगे है? अगर परमधाम जाने के लिए पहले पहले जाने का तरीका मालूम पड़ गया तो ऑटोमेटिक है जो पहले परमधाम जावेंगे उनके लिए कुछ भी फिर प्रयास करने की दरकार नहीं है। जो पहले परमधाम जावेंगे वो पहले पहले कहाँ आवेंगे? नई दुनिया में आवेंगे। तो नई दुनिया में जाने के लिए तरीका निकालना है पहले, या परमधाम बाप के घर में जाने के लिए तरीका निकालना है कि पहले कैसे जावे? परमधाम जाने का माउंट आबू जाने का तरीका निकल आया? निकाल लिया है? नहीं निकाला? निकाल लिया होगा इसलिए पूछ रहे। जो आज की मुरली में ज्यादा ध्यान दिलाया गया किस बात पर? अपन को आत्मा समझो। जो आत्मिक स्थिति में जल्दी स्थित हो जावेंगे वो पहले पहले परमधामवासी बन जावेंगे, और जो पहले पहले परमधामवासी बनेंगे वो ही यमुना में वो यमुना के कंठे पर दिल्ली में नई दुनिया के वासी बनेंगे। अग्रसेन राजा आगरा के रहने वाले थे। अच्छा, और अच्छा कोई कहीं बाहर का रहने वाला हो तो दिल्ली में राजधानी नहीं बना सकता? ये जितने भी विदेशी हैं वो हैं तो विदेश के रहने वाले, लेकिन सभी विदेशियों ने दिल्ली में अपनी राजधानी जमाई या नहीं जमाई है? जमाई तो अग्रसेन ने दिल्ली में राजधानी बनाई, तो आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? है सेन का अर्थ होता है सह इनेन, इन कहा जाता है अंदर। अंदर क्या है? अरे कुछ है कि नहीं है? है आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है? है आत्मा के अंदर मन है। मन के अंदर कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि। तो इन माने बुद्धि, और सह इनेन माने जो बुद्धि के साथ है। काहे के साथ है? जो बुद्धि के साथ है वो है सेन, उससे बनती है सेना। इस शरीर में राजा कौन है? बुद्धि। मन बुद्धि तो राजा है, आत्मा ही तो राजा है। और जो इसके साथ है वो इसकी सेना है। आत्मा के साथ कौन है? अरे इंद्रियां, ये शरीर है, ये सब क्या है? आत्मा की सेना है।
तो सेन माने बुद्धि के साथ रहने वाली सेना और अग्रसेन जो सेना आगे आगे है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी सेना है जो आगे आगे जाती है? है एडवांस पार्टी। तो ये एडवांस पार्टी का जो भी मुखिया होगा वो बेहद में हो गया अग्रसेन, हद में कोई दूसरा होगा लेकिन बेहद में अग्रसेन है। जब नई दुनिया की स्थापना होती है तो कौन सी सेना आगे आगे होती है? एडवांस पार्टी। एडवांस पार्टी का मुखिया कौन हुआ? है एडवांस पार्टी का मुखिया हुआ त्रिनेत्री। 76 से एडवांस पार्टी की स्थापना हुई। 70 के वर्ष को टाइटल दिया गया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो राजधानी कहाँ जमाएगा? आगरा में है? आगरा में तो ट्रांसफर करते हैं मुसलमान। आगरा में राजधानी किसने ट्रांसफर की थी? पहले दिल्ली ही राजधानी थी, फिर वहां से ट्रांसफर करके कहां ले गया? ले जाना चाहा, इसलिए वहां किला भी बनाया। बिल्कुल वैसा ही किला बनाया जैसा दिल्ली में है। किला माने संगठन। और मुरली में बाबा बोलते हैं ना, वो उल्लू बोलते हैं ना, उल्लू को चमड़ा का दुख से बोलते हैं बाबा। दो पक्षी होते हैं जो रात में ही अपना काम करते हैं, रात में ही ऊंची स्टेज में उड़ते हैं, और दोनों ही खंडरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जो मकान टूट फूट जाते हैं उनको कहते हैं खंडहर। तो भगवान आकर के जो नई दुनिया बनाता है, वो नई दुनिया जब टूट फूट जाती है तो उस टूटी फूटी दुनिया में जो अज्ञान की रात्रि है उसमें उनका वास होता है। इनका एक चमगादड़ों का, वो चमगादड़ उल्टे होके लटकते हैं, और उल्लुओं का, उल्लू जो होते हैं वो उल्टे होकर के लटकते नहीं हैं, लेकिन उनकी मन बुद्धि रूपी जो मुड़िया है वो किस तरफ रहती है? है बुद्धि कहाँ रहती है? है उनकी बुद्धि रहती है हाँ जमीन की तरफ। इसलिए बाबा ने उल्लू कहा है, चमगादड़ों का नाम नहीं लिया। सारी दुनिया उल्लुओं की है। बाप आकर के उल्लू से अल्लाह बनाते हैं, उनकी बुद्धि नीचे जाती है, और जिनको अल्लाह बनाया जाता है उनकी बुद्धि ऊपर जाती है। अल्लाह माने ऊंचा। और अर्पण करते हैं
अमावस्या के दिन खाना पकाते हैं, जो अर्पण करते हैं अमावस्या के अंदर खाना पकाते हैं। रात में पकाते हैं कि दिन में पकाते हैं? हैं? दिन में पकाते हैं। और रात में डालते हैं कि दिन में ही डाल देते हैं? हैं? अच्छा है तो वो दिन, लेकिन लेकिन उसका नाम दिया है अमावस्या। क्या अम्मा कहाँ बसी आके? अम्मा बसी आ, कहाँ बसी आके? अम्मा कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्रह्मा। ब्रह्मा ब्राह्मणों की दुनिया में आकर के कहाँ बसी? अरे ज्यादा लंबे समय तक संगमी दुनिया में जो अम्माओं की अम्मा है वो कहाँ वास करती है? अरे अंधेरे में वास करती है या उजाले में वास करती है? अंधेरे में वास करती है, इसलिए उस रात्रि का नाम क्या है? अमावस्या। उस रात्रि में जो अमावस्या नाम दिया गया है अमावस्या, उसमें ब्रह्मा की सोल जो आखिरी जन्म में अच्छा खासा साहूकार बनता है, जिसका शरीर रूपी रथ अच्छा खाता पीता होता है, वो बढ़िया बढ़िया भोजन खाता है या खिचड़ी खाता है? है क्या खाता है? बढ़िया बढ़िया 36 प्रकार के भोजन खाता है। खाता है तो बनाता भी है कि बिना बनाए हो जाता है? खाता है, बनाता भी है और उसके फॉलोअर्स भी है। 36 प्रकार का भोजन बनाते हैं और खाते हैं। तो माता जी पूछ रही है ये कहाँ की यादगार है कि अमावस्या के दिन अच्छे अच्छे भोजन बनाए जाते हैं? कौन बनाते हैं? भगत या ज्ञानी? है भगत। वो भगत है ब्राह्मणों की दुनिया में कहाँ बैठे हुए हैं? है वो भगत जो है वो ब्राह्मणों की दुनिया में भी बैठे हुए हैं, अभी भी शूटिंग कर रहे हैं। क्या शूटिंग कर रहे हैं? है जो संगम युग है, संगम युग ज्ञान सूर्य के उदय होने का दिन की यादगार है या वास्तव में रात कहें उसे? सूर्य जब उदय होता है तो उसे अमृत वेला कहा जाता है, दिन कहा जाना चाहिए या रात समझना चाहिए? है दिन समझना चाहिए, पूर्णमासी समझना चाहिए। क्या पूर्णमासी? चंद्रमा कैसा हो जाता है? संपूर्ण हो जाता है। अधूरा चंद्रमा है तो अधूरी बुद्धि है, बच्चा बुद्धि। और संपूर्ण चंद्रमा है तो बुद्धि कैसी हो गई? सगीर बुद्धि हो गई। जैसे ही चंद्रमा संपूर्ण होता है, 16 कला संपूर्ण होता है, तो एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। आया समझ में? और सृष्टि चक्र में कितनी आ रहे हैं? अरे सृष्टि चक्र में जो वो दिखाई गई है आ रहे हैं, जैसे पहिया में आ रहे होती है, 4 आ रहे हैं। कौन कौन सी? सतयुग, त्रेता, द्वापर कलयुग,
तो विश्व वाले भी ये चक्कर घुमाते हैं। पहले पहले कौन सा युग? सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कल युग, फिर और फिर बीच में छोटा सा संगम युग 100 साल का, फिर 1250 से 1250 वर्ष के, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कल युग। ये चक्कर घुमाते रहो, उसको कहते हैं बेसिक का चक्कर। बेसिक ज्ञान में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चा बुद्धि, उनको कितना सिखाया गया चक्कर घुमाना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, ये चक्कर घुमाना सिखाया गया। अभी भी समझाते हैं तो कितना समझाते हैं, इतना ही समझाते हैं कि इससे ज्यादा समझाते हैं? इतना ही समझाते हैं। उसको कहा जाता है बेसिक ज्ञान, बच्चों का ज्ञान। फिर एडवांस में क्या करते हैं? एडवांस में एक एक युग को विस्तार में समझना और समझाना होता है। या एक सेकंड में घुमा देते हैं, विस्तार में समझना समझाना होता है। शूटिंग का राज बताया जाता है कि यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हम ब्राह्मण जैसी शूटिंग करते हैं, वैसा फिर ब्रॉड ड्रामा में भी होता है। टैली करो एक एक कर्म को, एक एक व्यवहार को, भक्ति मार्ग में टैली करो, जो 2500 वर्ष का भक्ति मार्ग है, उसमें जो परंपराएं चली है, उन परंपराओं से संगम युग की एक एक ब्राह्मणों की एक्ट से टैली करना चाहिए। भक्ति मार्ग के 2500 वर्ष के जो भक्ति मार्ग का टाइम दिया हुआ है, उसमें जो भी शास्त्र लिखे गए हैं, जैसे खास खास महाभारत है, भागवत है, रामायण है, इनसे टैली करो। उनमें जो भी कथा कहानियां आई है, कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार। उन कथा कहानियों को ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में टैली कर सकते हो। ये है चक्कर फिराना बुद्धि में, विस्तार में ज्ञान के, विस्तार में जाने को ही चक्कर घुमाना कहा जाता है। ज्ञान का चक्र है, इस चक्र को जितना घुमावेंगे उतना हम अपने अनेक जन्मों की थ्योरी को खोलते जावेंगे। ज्ञान विस्तार को जाना, जैसे कि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाता है, इतना विस्तार हो जावे कि हमारी बीज रूप आत्मा में एक एक पत्ते का भी ज्ञान आ जावे। जैसे ज्योतिषियों के सामने जाके पूछते हैं ना, हमारी जीवन कहानी बताओ, तो पंडित जी बताना शुरू करते हैं के पास में आपने ऐसे किया, वर्तमान में आप ऐसे कर रहे हैं, आगे चल के ये होने वाला है। तो ऐसे ही हर एक आत्मा रूपी सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है। क्या हर आत्मा रूपी सितारे ने संगम युग में जितनी आत्माओं की सेवा की है, जितनी आत्माओं को संसर्ग संपर्क संबंध में लाया है, उनको ईश्वरीय ज्ञान दिया है, ज्ञान को विस्तार में समझाया है, उनको बाप के समीप संपर्क संबंध में लाया है, वो सभी आत्माएं उस आत्मा की दुनिया बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं समझा है? वो दुनिया बन जाएगी।
जो आत्मा जितनी ज्यादा सेवा के फील्ड में सेवा का फैलाव करेगी उतनी बड़ी उसकी दुनिया बनेगी। तो कोई छोटा सितारा, कोई बड़ा सितारा, कोई ज्ञान की कम चमक मारने वाला सितारा, कोई बहुत ज्ञान की चमक मारने वाला सितारा, तो उनका मनन चिंतन मंथन भी, जो बड़ा सितारा होगा वो बड़ा मंथन चिंतन चलेगा या छोटा चलेगा? बड़ा चलेगा। तो अभी दुनियाएं तैयार हो रही है। लोग कहते हैं कि आसमान में 9 लाख सितारे हैं, तो वो 9 लाख सितारे तो जड़ सितारे हैं, वो मनन चिंतन मंथन नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ यादगार हैं, जो ज्ञान सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। अभी हम बच्चे तो चैतन्य ज्ञान सितारे हैं, चैतन्य ज्ञान सूर्य हैं, चैतन्य चंद्रमा हैं, चैतन्य ग्रह उपग्रह हैं। एक एक सितारे में अनेक जन्मों का 84 का चक्र भरा हुआ है, उनका अपना चक्र भी भरा हुआ है और उनकी रचना का भी चक्र भरा हुआ है। तो जो चक्र है वो ज्ञान का चक्र बुद्धि में चलना चाहिए। इतना ज्ञान का विस्तार हो जाए, फिर इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि एक सेकंड में हम विस्तार में जाएं और एक सेकंड में सार में समा जाएं। जितना चाहें हम उतना ज्योति बिंदु स्वरूप बीज रूप से सार में समा के रहें, और जितना चाहें उतना लंबे समय तक हम ज्ञान के विस्तार में रहें। ऐसी प्रैक्टिस पक्की करें, उसे कहेंगे सुदर्शन चक्र घुमाना। जैसे विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र दिया जाता है, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र दिया जाता है, बच्चा बुद्धि कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र दिया जाता है, या बड़ा कृष्ण जो दिखाते हैं महाभारत में उनके हाथ में सुदर्शन चक्र दिया जाता है, बड़े के हाथ में दिया जाता है। किसी ने प्रश्न किया है घर में घर वाले बच्चों को ज्यादा तकलीफ आएगी तो ये सारा पाप घरवाली का दोष है, उसकी कुमति है, या घरवाले का भी दोष है, या कोई और का दोष है? घर में बच्चे होते हैं, कोई बच्चे बहुत दुखी होते रहते हैं, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, शारीरिक तकलीफ होती है, मानसिक तकलीफ होती है, परिवार के लोग तकलीफ देते हैं, गांव वाले तकलीफ देते हैं, उनका स्वभाव संस्कार तकलीफ देता है, तो ये क्या सब माँ का दोष है? कहेंगे कि सारा दोष माँ का है? ऐसे तो नहीं कह सकते, कुछ माँ का भी हो सकता है। जैसे सुल्ताना डाकू
का जीवन चरित्र हुआ, वो चोरी करता था, माँ उसको उकसाती थी, और ले आओ पक्का डकैत बना दिया। तो कोई बच्चों का और माँ का ऐसा हिसाब किताब हो सकता है? बाकी ये कोई जरूरी नहीं है, किसी आत्मा के ऊपर पूरा दोष नहीं डाला जा सकता किसी दूसरी आत्मा के सुख दुख का। हर आत्मा अपना सुख दुख अपने आप कमाती है या जन्म जन्मांतर के माँ बाप कमाते हैं? है? हर आत्मा अपना पाप अपना पुण्य खुद बनाती है। ऐसे नहीं कि माँ बाप के ऊपर दोष मर दिया जाए कि माँ बाप ने बच्चों को दुख दे दिया। हाँ, माँ बाप अगर बच्चों को दुखी करने के निमित्त बनेंगे, उनके स्वभाव संस्कार गंदे डालेंगे, तो माँ बाप का अपना हिसाब किताब बनेगा। वो अगले जन्मों में खुद अपने किए हुए का दुख भोगेंगे। बाकी बच्चों को अपने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से ही वर्तमान जन्म के संगी संबंधी संसर्गी संपर्की मिलते हैं। वो उनका अपना बनाया हुआ हिसाब किताब है। जो भी तकलीफ भोगती है आत्मा, वो स्वयं अपने किए हुए का प्रतिफल है या कोई दूसरे के किए हुए का प्रतिफल है? अपने किए हुए का। हम ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही चल रहा है। अज्ञानता के कारण हम दूसरों को उंगली उठाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारा जीवन नष्ट कर दिया, हमारे संगी साथी ने हमारा हमको तकलीफ देने के निमित्त बनाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर आत्मा अपने लिए खुद जिम्मेवार है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो सगीर हो। अगला प्रश्न है, 16108 गुप्त पुरुषार्थी आत्माओं को 63 जन्मों में रामकृष्ण वाली आत्माओं से किसी न किसी संबंध में आना पड़ेगा क्या? किन आत्माओं को? 16108 जो राज परिवार में आने वाली आत्माएं हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली आत्माएं हैं, और उन्हीं में से राजा रानी बनने वाली आत्माएं हैं, या महाराजा का भी पद पाने वाली आत्माएं उन्हीं 16108 के अंदर हैं, ऐसी राज परिवारों में आने वाली आत्माओं का संपर्क संबंध 63 जन्मों में रामकृष्ण वाली आत्माओं के साथ होगा या नहीं होगा? होगा। किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का एक जन्म में होगा, दो जन्म में होगा, और किसी का 83 जन्म में भी होगा। कोई का नजदीकी संबंध संपर्क संबंध संपर्की संबंधी और संसर्गी बनेगा, कोई दूर का बनेगा। बनेगा जरूर। क्यों क्यों बनेगा? क्योंकि ये राज परिवार की जो भी आत्माएं हैं,
उनको राज परिवार में लाने के निमित्त मुखिया राम कृष्ण की आत्माएं ही बनती है माता पिता के रूप में। कृष्ण वाली आत्मा माता के रूप में और राम वाली आत्मा बाप के रूप में। बाप निमित्त बनता है जन्म देने के और राजाई का वर्षा देने के। तो राजाई की अधिकार पाने वाली आत्माएं कोई तो राजा बन जाती है, महाराजा बन जाती है, महारानी बन जाती है, रानी बन जाती है, जिनकी संख्या बहुत कम है, और बाकी राजा रानी महाराजा महारानी नहीं बनते हैं, लेकिन प्रिंस प्रिंसेस बनकर के रह जाते हैं। राज परिवार में जो भाई बहन राजा रानी नहीं बनते हैं, लेकिन राजकुमार और राजकुमारी की ही पदवी लेकर के रह जाते हैं, उनका भी प्रजा में बहुत मान होता है या नहीं होता है? उनका भी प्रजा में बहुत मान होता है, उनका भी बहुत अधिकार होता है। कहीं कहीं तो ऐसे भी हो जाता है कि बड़ा भाई सतर्क न होने के कारण राजा नहीं बन पाता। बाप भले उसे राजा ही दे, लेकिन वो राजा ही गंवा देता है और छोटा भाई राजगद्दी पर बैठ जाता है, जैसे मुगलों में हुआ, मुसलमानों में। शाहजहां का बड़ा पुत्र राजा ही नहीं कर सका, सम्राट नहीं बन पाया, और औरंगजेब सम्राट बनकर के बैठ गया। तो ऐसा भी अजूबा गरूबा हो सकता है, लेकिन ये पवित्र दुनिया के राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस जो त्रेता के अंत तक जिनकी संख्या 16108 तैयार होती है, अंतिम जन्म तक कितने प्रत्यक्ष होते हैं? 21 जन्मों में 16108। वो 21 जन्मों का किया हुआ पुरुषार्थ और प्रारब्ध ही 63 जन्मों में फिर आवृत होती है। वहां प्राप्ति कराने वाला शिव बाबा नहीं है, लेकिन शिव बाबा जिसको आधार बनाता है, मीडिया बनाता है, वो मीडिया बनने वाली राम कृष्ण की आत्माएं द्वापर और कलयुग में बनने वाले जो 16108 राजाएं हैं, उनको बनाने के निमित्त बनते हैं। ऐसे नहीं कि द्वापर कलयुग में राजाएं रानियां और प्रिंस प्रिंसेस होते नहीं हैं, होते हैं, लेकिन वहां सुख की राजाई के साथ साथ राजाई में दुख भी होता है, और सुप्रीम सोल जो नई दुनिया रचता है उसमें दुख का कोई नाम निशान स्थान नहीं होता, लेकिन जिनको निमित्त बनाता है, मीडिया बनाता है, किनको? राम कृष्ण की आत्माओं को,
वो राम कृष्ण की आत्माएं देहधारी हैं, सहज सहज देह में रमण करने वाली हैं, यह सदैव निराकारी है, है? सब देहधारी है। तो ये कमजोरी होने के कारण जो द्वापर युग से सृष्टि तैयार होती है वो रावण ही सृष्टि है, रुलाने वालों की और रोने वालों की दुनिया है। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुख की सृष्टि होती है। राजा रानी भी रोने वाले रुलाने वाले, और प्रजावर की आत्माएं भी रोने वाली रुलाने वाली। और राजा रानी के संसर्ग संपर्क में आने वाला जो राज परिवार है वो भी रोने वाला और रुलाने वाला बनता है। तो संसर्ग संपर्क में 16108 को राम कृष्ण के नजदीकी बनना पड़े या नहीं बनना पड़े, है? बनना ही पड़ेगा। मामा, कोई कोई ज्यादा जन्म लेंगे, कोई कोई कम जन्म लेंगे, जिस आधार से जो कम जन्म लेंगे वो कम बुद्धि वाले होंगे या ज्यादा बुद्धिमान होंगे, है? कम बुद्धिमान होंगे। जैसे कीड़े मकोड़े हैं, पतंगे हैं, रात में ही जन्म लेते हैं, रात में ही खत्म हो जाते हैं, क्या उनकी जिंदगी? बुद्धि है, बुद्धि नहीं है। तो ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह कोई तो इस सृष्टि में आकर के एक ही जन्म लेंगे और उसी जन्म में शरीर छोड़ करके परमधाम वासी हो जाएंगे, 84 जन्म नहीं लेंगे। और कोई कोई आत्मा ऐसी भी होंगी जो पूरे 84 के चक्र में आवेंगी, आवेंगी या नहीं, है? तो पता लगा कि ज्यादा जन्म लेने और कम जन्म लेने का राज क्या हुआ? अरे जो ज्यादा जन्म लेगा वो ज्यादा चक्कर में आएगा या कम चक्कर में आएगा? तो ज्यादा चक्कर घुमाएगा सुदर्शन चक्कर या कम घुमाएगा? ज्यादा सुदर्शन चक्कर घुमाएगा। और कम जन्म लेगा तो उसका सुदर्शन चक्र भी कम घूमेगा। जिनका ज्यादा सुदर्शन चक्र घूमेगा वो ज्यादा बुद्धिमान होगा या कम बुद्धिमान होगा? ज्यादा बुद्धिमान होगा। कीड़े मकोड़े कम बुद्धिमान कहे जाएंगे। बनाने वाला कौन है? है? अरे बनाने वाला रचयिता बाप है। जो रचयिता बाप है वो जरूर बुद्धिमानों की बुद्धि होना चाहिए, परंतु उस रचयिता बाप की बुद्धि को भी रचने वाला कौन है? शिव बाप। अगर वो शिव बाप जो मन बुद्धि रूपी आत्माओं को रचता नहीं है, आत्माएं अनादि हैं या रची जाती हैं? अनादि है। वो अनादि आत्माओं का अनादि बाप शिव बाप अगर रचयिता बाप में प्रवेश न करे तो उसे अपने 84 जन्मों का भी ज्ञान नहीं हो सकता। तो सारी बुद्धि की बलिहारी है। बुद्धिमान बाप का जिसने जितना जास्ती संग किया होगा वो उतना जास्ती चक्कर में आवेगा,
और जिसने जितना कम संग किया होगा उतना कम जन्म लेने वाला बनेगा। अभी 16,000 में पितृ जन्म में रामकृष्ण के कनेक्शन में आने वाली आत्माएं, कोई एक जन्म, कोई दो जन्म, कोई अनेक जन्म बोले ना, उसका आधार क्या है? बता तो दिया, त्रेता के अंत में जो सीढ़ी में कटी हुई सीढ़ियां दिखाई गई हैं, त्रेता के अंत वाली, वो कटी हुई सीढ़ियों के कोई राजा होंगे या नहीं होंगे? होंगे। वो राजा बनने वाली आत्माएं स्वर्ग के सीढ़ियों को खंडन करने वाले हैं या बनाने वाले हैं? वो तो खंडन करने वाले हैं। उन्होंने भगवान के बनाया हुआ जो घर स्वर्ग है उसका खंडन किया, मंडन नहीं किया, इनसे उनका राज्य भी खंडित दिखाया गया है। तो ऐसे खंडन करने वाली आत्माएं जो निराकार साकार में आने वाला बाप है उसके संसर्ग संपर्क में कम आई होंगी या ज्यादा आई होंगी? कम आई होंगी, कम संसर्ग संपर्क में आने के कारण उन्होंने बाप के असली रूप को नहीं पहचाना, ग्लानी ज्यादा की, विघटन ज्यादा किया और घर को बनाया कम, गिराया ज्यादा। इसलिए उनके जितने भी फॉलोअर्स बने वो कहां जाकर इबादत करते हैं? है? गिरजा घर में। उनकी बुद्धि में क्या बसा रहता है? हे भगवान के बने बनाए घर तू गिरजा, यथा राजा तथा प्रजा। अरे जो अभी जवाब दिया वही तो अभी भी जवाब है। भगवान के साकार संसर्ग संपर्क में आने वाली आत्माएं ज्यादा भगवान को समझेंगी या संसर्ग संपर्क संबंध में कम आने वाली ज्यादा समझेंगी? हम किसी आदमी को ज्यादा गहराई तक समझना चाहते हैं तो उसके नजदीक रहकर ज्यादा उसके अंतर तक समझ सकेंगे या दूर दूर रहकर के समझ सकेंगे? दूर दूर रहकर जितना कानों से सुनेंगे उतना ही समझ सकेंगे। सुनी हुई बात आधी झूठी होती है, आधी सच्ची हो सकती है। इसलिए ऊंच के ऊंचे भगवान बाप, भगवान बाप के संसर्ग संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं जितना जागती आती है उतना जास्ती अनुभवी बनती है। एक घर में एक बूढ़ी माँ बीबी के है, घर में चार तीन चार बहू है, वो लोग खाना पाना पकाते हैं। ये बूढ़ी माँ कुछ भी नहीं कर सकते, उनका खाना पाना क्या होना है? बूढ़ी माँ को खाना पाना क्या करना है? सब ज्ञान में चलने वाले हैं। आप पूरी बात बताएंगे नहीं, अधूरा प्रश्न करेंगे तो जवाब भी अधूरा मिलेगा। बड़ा परिवार है, सिर्फ बूढ़ी माता ज्ञान में चलती है और पूरा परिवार अज्ञानी है तो बूढ़ी माता के हाथ पांव नहीं चलते हैं, हाथ पांव कांपते हैं, ज्यादा समय खड़ी भी नहीं हो सकती है, ज्यादा समय बैठ भी नहीं सकती है, ज्ञान में आ चुकी है। तो
कुछ नहीं कर सकती है, कुछ तो कर सकती है पुरुषार्थ। अरे अरे कोई कोई आत्मा ऐसी तो दुनिया में होती नहीं जो भगवान के बताई हुए पुरुषार्थ में से कोई पुरुषार्थ न कर सके। अरे लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, कोड़ी है, काना है, कुब्जा है, नहीं कुछ पुरुषार्थ कर सकेगा। हाथों से, पांव से, आंख से, कान से कुछ तो कर सकेगा है। तो बूढ़ी माता कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती है? हाँ तो बस। अरे याद से तो कोई कोई ऐसी आत्मा विश्व की बात का ही ले लेती है। याद की पावर से कोई कोई आत्माएं इतनी पावरफुल बनती हैं कि जो अंदर सोचे बैठी हैं मैं कुछ नहीं करूं, क्या करता रहूं, सिर्फ बाप को याद बनी रहे। तो बाप कहता है जिसकी याद मेरी समाई हुई है जिसके अंदर, उसका सारा काम मैं करूंगा। ये अनुभव कोई कोई को होगा जरूर। क्या जब कोई पूरा ही अर्पण में हो जाता है, सब कुछ बाप के अर्पण कर देता है, सिर्फ याद करता है, तो बाप उसको मदद करता है या नहीं करता है? करता है। तो बूढ़ी माता इतना तो कर सकती है क्या? पड़े पड़े हाथ भी ना हिलाए छोटे बच्चे की तरह, पांव भी ना हिलाए, छोटा बच्चा तो फिर भी हाथ पांव हिलाता है, बूढ़ी माता ऐसे ही पड़ी रहे, क्या करे? बाबा को याद करती रहे। तो उसका सारा काम कौन करेगा? शिव बाबा है करण करावनहार। आपको चिंता करने की दरकार नहीं है, आपको बड़ी दया आ रही है। क्या खाने? अरे सत्युग में देवताएं खाना बनाते हैं, बनाते हैं है? क्यों नहीं बनाते? ऐसा क्या बात है जो सत्युग में देवताओं को कुछ करने के लिए ही जरूरत नहीं पड़ती पेट के लिए? अरे प्रकृति भी दासी क्यों होती है? कोई कारण होगा ना, अभी क्यों नहीं है? हाँ तो वो आत्म की स्थिति वो बूढ़ी माता धारण नहीं कर सकती है? मेला 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 लल्ला मेली मम्मी मेली कच्ची मेरी पक्का चीज कट्टा। अब मेला मेला लगा हुआ है तो आत्म की स्थिति बनेगी या देवान आएगा? देवान आएगा, आत्म की स्थिति बनेगा ही नहीं। और माताओं के लिए तो खास बोल दिया, माताएं अगर मोह के ऊपर विजय पाले तो समझो विजयी हो गई। तो बूढ़ी माता के ऊपर दया न करो भरी सभा में, उनको सिर्फ समझाओ। क्या समझाओ? कि मेरे मेरे करते करते प्राण नहीं छोड़ देना। क्या क्या करते करते प्राण छोड़ना? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और छोटी बच्ची, आठ नौ साल की बच्ची, हाँ हाँ कहीं भी हो, हाँ तो उससे क्या होता है? एडवांस में नहीं है। अरे बहुत से ऐसे ज्योतिषी होते हैं जो कई जन्मों की पीछे की बातें बता देते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पूर्व जन्म की बातें बताते हैं, एक दो जन्म की नहीं चार से आठ जन्मों की भी बताते हैं। ऐसे ऐसे परामय मनोवैज्ञानिक तैयार हुए हैं, ऐसे ऐसे तांत्रिक तैयार हुए हैं कि कोई आत्मा को प्रवेश करा के उसको अनेक जन्मों के पीछे भेज देते हैं।
और अनेक जन्मों की हिस्ट्री बताते हैं, प्रूफ भी बताते हैं, और वो आते सच्ची भी निकलती है, तो उससे क्या वो एडवांस भी हो गए? कैसे कैसे की क्या बात है? ऐसे बहुत से लोग होते हैं शरीर छोड़ने से कई दिन पहले बता देते हैं हमें इस दिन इस टाइम पर शरीर छोड़ना। दुनिया में क्या सच्चे और झूठे नहीं होते हैं? होते हैं। उनकी सच्चाई के आधार पर, साफ दिल के आधार पर उनको पता लग जाते हैं। इससे ये साबित नहीं होता कि वो एडवांस के हैं, 84 जन्म लेने वाले हैं, ये कोई जरूरी नहीं। हर धर्म में सच्चे और झूठे होते हैं। और तुम्हें कितने दिन हो गए एडवांस में चलते चलते? 14 साल हो गए। 14 साल का राम को वनवास हुआ है, 2 साल हुए, 2 साल से ज्ञान में चल रहे हैं? सच्ची सच्ची बताओ हैं? हैं? 2 साल एडवांस में, और बेसिक में? बेसिक में देर से आए। तो तुमको एडवांस जब दिया गया तो ये समझाया नहीं गया? एडवांस में जो चारों धर्म के मुख्य बीज हैं, वो नई दुनिया का मनता के आधार पर फाउंडेशन लगाने के निमित्त बनते हैं। राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, या उनका नाम दिया गया है ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र, सनत सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें एक देवता धर्म का बीज, एक इस्लाम धर्म का बीज, एक बौद्ध धर्म का और एक क्रिश्चियन धर्म का। तो ये सब नहीं बताया गया? क्रिश्चियन कौन कौन? क्या उनके नाम बताए है? नाम बताने के लिए तो बाबा ने मना कर दिया। मैं कोई के नाम बोर्ड पर या कागज पर लिख करके नहीं बताऊंगा। हर एक अपने अपने गुणों से, अपनी अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, वचनों से अपने पार्ट को स्वयं ही प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा कोई जानी जाननहार नहीं है। तब तो तुम कल अपना भी पूछने लगे होंगे। हाँ, जब तक मुख से बोल रहे हैं सामने बैठ के, कागज क्यों पढ़े? कागज पढ़ेंगे प्रश्न नहीं समझ में आएगा, पूछेंगे तो कोई बोलना नहीं चाहेगा। अगर बोलने की हिम्मत करें तो कागज लिख करके क्यों दे? लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता। अच्छा, छोटे बच्चे हैं तो बेसिक नॉलेज वालों के पास बैठे जाके बोल ही नहीं पाते तो। हाँ जी, हाँ हाँ, फैलाया। हाँ, ये कैसा फैलाया? शूटिंग पीरियड में कैसा फैला? अभी बेसिक में जो भगवान बरकर के बैठे हैं, कहते हम नई दुनिया की स्थापना करेंगे, पुरानी दुनिया का विनाश हम करेंगे, ब्राह्मण धर्म की स्थापना हम कर रहे हैं, वो त्रिमूर्ति सेवा आप नहीं देख रहे हैं? तो जब बेसिक नॉलेज थोड़े देखने में आ रहे हैं, बेसिक नॉलेज वाले जो बच्चे हैं
उनके बाप कहाँ बैठे हुए है? बैठ है 20 रुपए एडवांस पार्टी में, तो यहाँ एडवांस पार्टी में ढेर ऐसे निकलेंगे। फाइनल पेपर जब माया लेगी, क्या कहेंगे? कोई एक व्यापी भगवान नहीं है, हम खुद ही भगवान हैं। अरे तुम भी भगवान हो, ये क्या बड़ी बात है कोई है? ये बात बड़ी है क्या? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। और किसी ने प्रश्न किया है, अंतर्मुखता ज्ञान का सार है क्या? जिसने लिखा है पहले ये साबित करे, क्लियर करे कि अंतर्मुखता क्या समझता है। अंतर्मुखता किसे कहा जाता है, है? अंतर्मुखता मतलब क्या है? जैसे हाथी कहे अंतर्मुखता और वो अपनी सूंड को अपने अंदर रख ले मुंह में, तो क्या अंतर्मुखी हो जाएगा? मुख का आधा हिस्सा अपने पेट में डाल ले तो अंतर्मुखी हो गया? नहीं हो गया। तो ऐसे ही अंतर्मुखी की क्या परिभाषा है? अरे पहले तो ये जानना पड़े अंतर्मुखता माने क्या है? है आत्मी की स्थिति में रहना, वो अंतर्मुखता है। इसमें प्रश्न है कि अंतर्मुखी रहने वाला ज्ञान के सार में टिकने वाला है क्या? ज्ञान का सार क्या है? जिस सार में देवताएं टिकते हैं, क्या सार है? है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और भगवान जिसे भगवान कहा जाता है वो ज्ञान के सार में टिकने वाला है या नहीं है? 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 तो भगवान भी ज्ञान के सार में टिकने वाला है, जो ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। ऊंच से ऊंच और नीच से नीचे कहाँ की बात है? है? इस दुनिया की बात है। यानी इस दुनिया में जो संसार में भगवान के रूप में, गॉड फादर के रूप में प्रत्यक्ष होगा, वो भी ज्ञान के सार में टिका हुआ है। और जो सतयुग त्रेता में 10 करोड़ आत्माएं होंगी, होंगी कि नहीं, वो भी आत्म की स्थिति में टिकी हुई होंगी, वो भी ज्ञान के सार में टिकी हुई है। तो क्या सभी बराबर ज्ञान का विस्तार कर सकेंगे? है? सभी ज्ञान का सार में टिकने वाले एक जैसे हुए या नंबरवार हुए? तो नंबरवार हो गए। तो फिर इसमें अंतर्मुखता कौन सी धारण करें? जो 10 करोड़ है त्रेता के अंत तक आने वाली आत्माएं हैं, उनमें 10वीं करोड़वीं जो आत्मा है उसके ज्ञान का सार अंतर्मुखता धारण करें, या जो अव्वल नंबर है ज्ञान के सार में टिकने वाला वो अंतर्मुखता धारण करें? तो ये बात कि अंतर्मुखता ज्ञान का सार है, ये बात स्पष्ट कैसे हो?
कोई एक सेकंड टिकने का अभ्यासी है और कोई 24 घंटे भी टिकने का अभ्यासी बन जाए, बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो फिर दोनों के बीच में अंतर्मुखी कौन कहा जाए? है? और एक सेकंड जो ज्ञान के सार में टिकने का अभ्यासी हुआ, 10 करोड़ की लिस्ट में आने वाला, वो ज्ञान के सार में टिकने का अभ्यासी नहीं है, वो अंतर्मुखी नहीं है। अरे वो भी है और ये भी है, ये क्या बात हुई? है, है? हाँ, कोई भी गुण है वो 100% गुण धारण करने वाले भी हैं और 1% भी धारण करने वाले हैं। इसलिए ये क्लियर नहीं किया जा सकता कि अव्वल नंबर अंतर्मुखता क्या है। वो तो जो उसमें टिकने वाला है वो ही जान सकेगा, दूसरे की समझ में आएगा ही नहीं।